नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग नमस्ते में। मैं हूं आपकी योगा टीचर जया। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, जिस दिन हम सभी लोग योग करना चाहते हैं, योग से जुड़ना चाहते हैं, और इसी के साथ 6 महीने साल के कंप्लीट हो जाते हैं। हम में से कई लोग साल की शुरुआत में रेजोल्यूशन लेते हैं वेट लॉस को लेकर, कि इस साल वजन कम कर लेंगे, वजन नियंत्रित कर लेंगे, फिटनेस पे पूरा पूरा ध्यान रहेगा। अभी 6 महीने बीतने वाले हैं, तो अगर आपने वेट लॉस पे काम नहीं किया है, आपका वजन नियंत्रित नहीं हुआ है, फिटनेस पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 डेज का वेट लॉस योगा सीरीज। यहाँ पर योगा और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन है। मात्र 15 मिनट आपको रोजाना निकालने हैं। बिगिनर फ्रेंडली वेट लॉस योगा सीरीज है। इस सीरीज की शुरुआत कल से हो रही है, यानी 16 जून 7:30 AM मॉर्निंग। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को भी दबा लेना, ताकि हमारे वीडियो कभी भी अपलोड हो आपको पता चल जाए, और कल के लिए 7:30 AM रेडी रहिएगा। दोस्तों, वैसे हम सबको पता है और मैं आपको बता भी देती हूँ कि वेट लॉस के लिए सिर्फ योगा और एक्सरसाइज काफी नहीं है, आपका डाइट पे भी पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमें संपूर्ण सेहत भी चाहिए अपने वेट लॉस के साथ साथ। आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे, मेटाबॉलिज्म बॉडी का अच्छा रहे, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, इम्यूनिटी रहे, तो बहुत जरूरी है कि आपका डाइट भी अच्छा हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ डाइट के नियम वेट लॉस के लिए। सबसे पहला नियम है कि 2 डेंजरस चीजें आपको अपने डाइट से हटा देनी है, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड ऑयल। ये दोनों ही काफी डेंजरस हैं और बहुत सारी बीमारियां इन दोनों की वजह से भी शरीर में आ जाती हैं। तो रिफाइंड ऑयल की जगह आप घी, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल को कंज्यूम कर सकते हैं, और रिफाइंड शुगर की बजाय आप गुड़ का इस्तेमाल करें, हनी का इस्तेमाल करें, या जितने भी स्वीट ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको खाकर अपनी स्वीट की क्रेविंग को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा नियम है डाइट का कि आपको 12 घंटे का फास्ट करना है। 12 घंटे का फास्ट का मतलब कि रात का अगर डिनर आपने 9 से 9:30 के बीच में किया है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट आप 9 से 9:30 के बीच में करेंगे। अगर ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह 8 बजे का है, तो रात का डिनर भी आपको 8 बजे कंप्लीट करना है, और इस तरीके से कंप्लीट 12 घंटे आपको फास्ट करना है। इस 12 घंटे के बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं। तीसरा डाइट का नियम है कि आपको आइटम्स लिमिट करने हैं अपने मील्स में, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में आपके लिमिटेड आइटम रहेंगे। ब्रेकफास्ट में आप 2 आइटम खाएंगे, यानी इडली खा लिया और इडली के साथ आपने नारियल चटनी ले ली, तो आपके 2 आइटम कंप्लीट हो गए हैं, दैट्स इट। अगर आपने अलग से सांभर लिया तो वो 3रा आइटम है, पापड़ ले लिया तो 4था आइटम है, अलग से नमक भी ले लिया तो वो 6था आइटम हो जाएगा। और इस तरीके से आपको अपना ब्रेकफास्ट डिजाइन करना। इसी तरीके से आप लंच में और डिनर में 4-4 आइटम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे लंच की बात करूं तो आपने चावल खा लिया, चावल, दाल, सब्जी, सैलेड, तो आपके 4 आइटम कंप्लीट हो गए। आप दूसरे दिन सैलेड की जगह छाछ ले लीजिए, कि आपने छाछ, सैलेड, रोटी, सब्जी, तो आपका ये लंच कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से आपको डिनर में भी 4 आइटम लिमिट करने हैं, और इस नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए। डाइट का चौथा नियम कि आपको दिन की शुरुआत 1 ग्लास गुनगुना पानी पीकर करनी है, और पूरे 24 घंटे में आपको 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है। 4 लीटर पानी मतलब 4 लीटर पानी, आप ग्रीन टी, अजवाइन टी, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सब पानी में काउंट नहीं करेंगे, ये अलग है और 4 लीटर पानी अलग है। डाइट का पांचवा नियम कि खाने का समय आपको फिक्स करना है। लगभग आपका खाने का समय फिक्स होना चाहिए। किसी किसी दिन 30 मिनट्स आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका बॉडी का क्लॉक खाना खाने को लेकर, सोने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर समय फिक्स होना चाहिए। डाइट का छठा नियम है कि रोटी और चावल दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे सोर्स हैं, तो इन दोनों में से किसी एक का ही सेवन करना है एक समय पर। ब्रेकफास्ट में चावल खा लिया है तो डिनर में रोटी खा लें, ब्रेकफास्ट में रोटी खा ली है तो डिनर में चावल खा लीजिए। और डाइट का आखिरी नियम वेट लॉस के लिए, जिसका आपको ध्यान में रखना है, कि फास्ट फूड और प्रिजर्वेटिव वाले आइटम नहीं खाने हैं, यानी जैम, सॉस, पिकल, पापड़, नमकीन, बिस्किट, केक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज्जा, बर्गर,
इस तरह के फास्ट फूड आइटम, शुगरी आइटम्स आपको नहीं खाने हैं। तो ये है डाइट के नियम वेट लॉस के लिए, जो बहुत ही इजिली मैनेजेबल है। बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या क्या खाना है, अपना मेन्यू फिक्स करना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। और कल से जो वेट लॉस योगा सीरीज स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग 7:30 AM, उसके पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका पेट खाली होना चाहिए। 5 मिनट पहले ही अपने मैट पर बैठ जाएं, अपने आप को रिलैक्स कर लें और आपका ब्लैडर भी खाली होना चाहिए, मतलब आप यूरिन पास कर लें और अभ्यास के पहले बहुत ज्यादा पानी ना पिए। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं, नमस्ते।